टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है, मैं हूं इनाम उल हक। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। हमस में हुए ड्रोन हमले में 80 अफराद हलाक, 240 जख्मी। शाम के वजीर सैद के मुताबिक जुमेरात के रोज वस्ती शहर हमस में फौजी ग्रेजुएशन की तकरीब पर होने वाले ड्रोन हमले में हलाकतों की तादाद बढ़कर 80 हो गई है, जबकि 240 जख्मी हो गए हैं। मुंबई के गोरेगांव वेस्ट इलाके में आज अलल सुबह एक कसीरल मंजिला इमारत में जबरदस्त आग लग गई। हादसे में 7 अफराद झुलसकर हलाक हो गए, जबकि 46 लोग जख्मी हो गए हैं। वहीं इस दौरान फायर ब्रिगेड के अहलकारों ने 30 लोगों को बेहिफाजत बचा लिया। राहुल गांधी को रावण दिखाने पर प्रियंका गांधी का पीएम मोदी से सवाल, कहा क्या आप अपने पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट किए जाने वाले पुरतशद्दद और इश्तियाल अंगेज ट्वीट से इत्तेफाक करते हैं। वाराणसी में एसपी लीडर अबू आसिम आजमी के ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे। मुंबई और लखनऊ के बाद अब महकमा ने वाराणसी के मकामात पर छापे मारने शुरू कर दिए। इनकम टैक्स ने आजमी पर 160 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का इल्जाम लगाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने त्यौहार के सीजन से पहले दी राहत, ईएमआई नहीं बढ़ेगी, रेपो रेट मुस्तहकम रहेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के इंतखाबात के लिए बाब सैयद पर चल रहे धरने ने आज 7वें रोज वेमेंस कॉलेज के तालिबात की हिमायत हासिल कर ली। इसी दरमियान यूनिवर्सिटी प्रोक्टर पहली मरतबा धरने की मकाम पर पहुंचे और कहा कि मौजूदा वक्त इंतखाबात के लिए मुनासिब नहीं। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने मारूफ आलमदीन अब्दुल मजीद डार की नजरबंदी के अहकामात को कलदम करार देते हुए इनकी रिहाई का हुक्म दिया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर के लिए गाड़ियों की खिदमात हासिल करने के घोटाला में एक सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस समेत 10 पुलिस एहलकारों के खिलाफ तहकीकात को दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि खित्ते में अब तक 9000 से ज्यादा बेजमीन लोगों को जमीन दी गई और सिर्फ अहल अफराद को ही 5 मरला जमीन दी जाएगी। श्रीनगर के एक रिहायशी ने जुमा की सुबह अब्दुल्लाह पुल श्रीनगर से दरिया जहल में छलांग लगाकर जिंदगी का खात्मा कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद लाश कर ली गई बरामद। माजी में चोर दरवाजे से 2.50 लाख तकरारियां, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर ने कहा अब शफाफियत का दौर दौरा, 3 साल में 30,000 भर्तियां। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी मोदी का विजन, वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा इंसदाद दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस में 5 मौजूद जेर बहस आएंगे। मरकजी हुकूमत नवरात्रि और दिवाली के दरमियान मरकजी मुलाजमीन के हक में वाजिबुल अदा महंगाई भत्ता की किस्त वागुजार करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1 जुलाई से वाजिबुल अदा DA में इजाफा इब्तदाई तौर पर बताए गए 3% से ज्यादा हो सकता है। मरकजी हुकूमत ने जुमेरात को जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को 5 साल की मुद्दत के लिए गैर कानूनी एसोसिएशन करार दिया। वजारत दाखिला ने यह ऐलान एक नोटिफिकेशन के जरिए किया, जिसमें JKDPF को गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट 1967 के सेक्शन 1(3) के तहत गैर कानूनी एसोसिएशन के तौर पर करार दिया गया। भाजपा चुनाव में अपोजिशन इतिहाद को शिकस्त देगी, रविंदर रैना बोले चुनाव का फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है, फारूक अब्दुल्ला उनसे सवाल करे। जम्मू कश्मीर कामयाबी की नई कहानी, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा बोले 3 वर्षों में कुपवाड़ा जिला का तरक्याती सफर गैर मामूली रहा। श्रीनगर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम, राहगीरों और मुसाफिरों की जमा तलाशियां। डोडा जिला की तहसील फेगसू में गुजश्ता शब रीच के हमले में एक शख्स की मौत वाकया हो गई, मुतवफी की शिनाख्त मुश्ताक अहमद के बतौर की गई। राजौरी जिला में हादसाती ग्रेनेड धमाके में एक फौजी अफसर जख्मी, फौज ने जुमा को कहा कि राजौरी जिला में गुजश्ता शब मुमकिना हादसाती ग्रेनेड धमाके में एक फौजी अफसर जख्मी हो गया। टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।